नमस्कार दोस्तों डिजिटल नोट्स दुनिया हिंदी में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के प्रकारों को विभिन्न आधारों पर विभक्त किया गया है पहला है एप्लीकेशन के आधार पर दूसरा है उद्देश्य के आधार पर और तीसरा है आकार एवं क्षमता के आधार पर पहला है एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं पहला एनालॉग कंप्यूटर दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर पहले हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की ये भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं जैसे दाब तापमान लंबाई और ऊंचाई आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं इनका प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में परिमाप का अधिक प्रयोग होता है दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर डिजिट का अर्थ होता है अंक अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है डिजिटल कंप्यूटर में दो अंक जीरो और एक होते हैं जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं इन्हीं के आधार पर यह कार्य करता है इन दो अंकों को बिट कहा जाता है हम हाँ विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे शिक्षा बैंकिंग व्यापार मनोरंजन इत्यादि में डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और आजकल ये काफी लोकप्रिय भी है तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा में अधिक होता है जैसे किसी रोगी का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर धड़कन इत्यादि मापने के लिए हम हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल कर एनालॉग डाटा को पहले डिजिटल डाटा के रूप में बदलते हैं फिर परिणाम डिजिटल रूप में स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है दूसरा है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं पहला है जनरल पर्पज़ कंप्यूटर और दूसरा है स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर पहला है जनरल पर्पज कंप्यूटर इनसे सामान्य कार्य किए जाते हैं इनका उपयोग दुकानों एवं घरों में किया जाता है जैसे पत्र यानी लेटर तैयार करना दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दूसरा है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर इन्हें विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है इनका उपयोग मौसम विज्ञान कृषि विज्ञान युद्ध एवं अंतरिक्ष आदि में किया जाता है तीसरा है आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं पहला है माइक्रो कंप्यूटर दूसरा मिनी कंप्यूटर तीसरा है मेनफ्रेम फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर पहला है माइक्रो कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर दो कारणों से कहा जाता है पहला इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है दूसरा यह कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में छोटा होता है इसे स्टडी टेबल और ब्रीफ केस में रखा जा सकता है इनकी कार्य प्रणाली तो लगभग बड़े कंप्यूटर के समान होती है परंतु इनका आकार उनकी तुलना में कम होता है इस कंप्यूटर पर सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है माइक्रो कंप्यूटर को पीसीबी भी कहा जाता है यानी पर्सनल कंप्यूटर को निम्न भागों में बांटा गया है पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर दूसरा है लैपटॉप कंप्यूटर तीसरा है पाम टॉप कंप्यूटर चौथा है नोटबुक कंप्यूटर और पांचवा है टैबलेट कंप्यूटर दूसरा है मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मध्य आकार के मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर कंप्यूटर है ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति वा मेमोरी वाले होते हैं इनमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं यह वो कंप्यूटर होते हैं जो बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं पी डीपी एट फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है जिसका विकास 1965 में किया गया था इसे डेक कंपनी ने बनाया था डेक का पूरा नाम है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन तीसरा है मैन फ्रेम कंप्यूटर यह मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व वा क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं यह कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं इनमें अत्यधिक मात्रा में डाटा पर तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है यह कंप्यूटर बड़ी बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं इन कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर किया जाता है एक मेनफ्रेम कंप्यूटर अपने साथ एक हजार से भी अधिक दूरस्थ वर्क स्टेशन को जोड़ सकता है इसकी गति एम यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापी जाती है मैनफ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण निम्न है आईबीएम फोर थ्री एट वन आईसीएल थर्टी नाइन सी डी सी साइबर एक्सेट्रा चौथा है सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं इनका निर्माण विशेष कार्य के लिए किया जाता है यह दुनिया के सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं एक सुपर कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं जो समानांतर कार्य करते हैं इनकी गति फ्लॉप यानी फ्लोटिंग पॉइंट्स इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापी जाती है अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर की गति एक टेरा फ्लॉप्स हो सकती है ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते है। हैं सुपर कंप्यूटर के कार्य हैं अंतरिक्ष यात्रा के लिए मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए युद्ध के लिए किया जाता है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए लाइक कीजिए एंड न्यूज सब्सक्राइब कीजिए